गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले क्लासेज में हमने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक बताया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर। और इस डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तब क्लियर होगा जब आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन अच्छा तरीका से सॉल्व करने के लिए आप जानते होंगे। जैसा कि पिछले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा फार्मूला हमें याद होना चाहिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन बढ़िया तरीका से बना नहीं सकते। इसलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर, जो आज आपका वीडियो 6 डिफरेंशिएशन का बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसका आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जरा देखिए, पहले क्या करते थे कि पहले इतना का कर लेते थे फिर इतना का, लेकिन इनवर्स में, इनवर्स वाले क्वेश्चन में पहले हम टारगेट बनाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। तो जैसे ये 2 क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं, क्लियर है। पिछला बार भी हमने आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में बताया था, आज भी हम आपको बता रहे हैं। तो y इक्वल टू इसको मान लेंगे क्या चीज, tan इनवर्स 1 माइनस cos x / sin x, है ना। पहले के हिसाब से भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिवाइड x पहले इतने का फिर इतने का, लेकिन क्या हो जाएगा, लॉन्ग तरीका हो जाएगा, काफी कैलकुलेशन जाके हार्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन का भी बनने का तरीका होता है, कोई क्वेश्चन इस तरीका से बनता है, कोई क्वेश्चन इस तरीका से बनता है, सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है, वो भी मेथड सही है, लेकिन उसमें फिर आगे चल के कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो हम लोग सीखते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीका से है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, अगर मेरा क्वेश्चन इस तरीका से है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम भले ही डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा काम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का है, यानी कि एक तरीका से आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का रिवीजन हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करें, यानी कि जो हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में करते थे वो हम काम करें और लास्ट रिजल्ट तक हम फंक्शन लाएं। तो क्या लॉजिक वहां सोचते थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, हम क्या लॉजिक सोचते थे कि अगर यहाँ पर tan इनवर्स है तो इसमें भी ऐसा हम क्या करें कि वो tan आ जाए। जैसे हम जानते हैं कि sin इनवर्स sin x x होता है, cos इनवर्स cos x x होता है, tan इनवर्स tan x x होता है, क्लियर है। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि अगर ये sin इनवर्स है तो यहाँ पर भी sin आना चाहिए, अगर ये cos इनवर्स है तो यहाँ पर भी cos आना चाहिए, अगर यहाँ पर tan है तो यहाँ पर भी tan आना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन बनाने का दौरान, है ना। तो क्या किए, क्वेश्चन को y मान लिए। अब हम क्या कोशिश करेंगे, ये जरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये tan इनवर्स है तो हम क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे कि अगर ये tan इनवर्स है तो ऐसा हम क्या करें कैलकुलेशन ट्रिगोनोमेट्री के सहायता से कि ये tan के रूप में आ जाए, चाहे tan x आ जाए या tan tan के समथिंग में कुछ आ जाए, लेकिन हमें उस रूप में लाना पड़ेगा। तो जरा देखिए, ये y इक्वल टू tan इनवर्स है तो 1 माइनस cos x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x / 2। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, यानी कि जब यहाँ 2x होता है तो यहाँ पर x होता है, जब यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर x होता है, और जब यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x by 2। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री में। तो 1 माइनस cos x था जिसका फॉर्मूला क्या लिख दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर x by 2। अब जरा देखिए, अब ये साइन x है ना, तो इसके मुताबिक हम चलेंगे,
पहले सोचने के लिए आपको सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अगर एक तरीका बढ़िया से जान जाते हैं तो क्वेश्चन एट रैंडम आपरूपी बनने लगता है। तो चलिए साइन 2x का है ना, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x into cos x, साइन 2x का होता है। तो जब यहाँ 2x तो यहाँ पर xx होता है, तो जब यहाँ पर x तो यहाँ पर x/2 होगा, क्लियर है। साइन 2x का क्या, 2 sin x into cos x होता है, तो साइन x का क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 sin x/2 और cos x/2, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y = tan inverse sin x/2 by cos x/2 क्या आ गया, tan x/2, तो y = इससे ये हट गया, तो बच गया क्या, x/2, तो dy है ना, पहले क्या होता था कि ये देता था, अब क्वेश्चन को इस रूप में अब डिफरेंशिएशन करना आसान है, x/2 का क्या हो गया 1/2, तो कितना आसान है, समझ है? एक क्वेश्चन और दिए हैं, जरा देखिए इसे भी क्या कर लेंगे, y मान लेंगे, तो y = tan inverse cos x - sin x by cos x + sin x, क्लियर है। तो हमारा क्या लॉजिक रहेगा कि अगर ये tan inverse है तो हम क्या करें, ये ऐसा कुछ काम करें कि यहाँ पर ये भी क्या आ जाए, tan आ जाए। तो चलिए ये tan inverse है, तो इस तरीका के क्वेश्चन को हम ट्रिगोनोमेट्री में सॉल्व किए हैं। क्या करेंगे, जब भी cos x - sin x या cos x + sin x आएगा तो स्टेप वहां पर काफी किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों केसेस में cos x से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब हम cos x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - tan x / 1 + tan x, कैसे आया, डिवाइड बाई, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, डिवाइडेड बाई cos x है ना, ऊपर इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हम cos x से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए, तो cos x से करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, ये sin x / cos x tan x हो जाएगा, cos x से कर देंगे तो 1 हो जाएगा, sin x / cos x tan x हो जाएगा, तो y = tan inverse। अब जरा देखिए ये फॉर्मूला होता है किसका, tan π/4 - x का, लेकिन फिर भी हम आपको डिटेल रूप में हम आपको बता देते हैं, 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है, माइनस ये हो गया tan x, यहाँ पर हो गया 1 + tan π/4 * x लिख सकते हैं। अब जरा देखिए tan π/4 का मान 1 - tan x, 1 + क्या हो जाएगा, 1 + tan x। अब बताइए ये क्या चीज का फॉर्मूला आया है बाबू, ये फॉर्मूला कुछ दिख रहा है, tan a - tan b / 1 + tan a * tan b, यानी कि tan a - b का है, यानी कि tan π/4 - x का है, तो y = ये से ये हट गया, तो क्या आ गया, π/4 - x, क्लियर है। तो जब हम dy/dx करेंगे तो π/4 का क्या हो जाएगा, 0, और माइनस एक्स का -1, यानी कि रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, -1, क्लियर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आप देख रहे थे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका डिफरेंशिएशन है y = tan inverse cos x / 1 + sin x, ये है cos x / 1 + sin x, ये दिया हुआ है 1 + sin x, है ना, लॉजिक वही, हमें क्या करना है, अगर ये tan है तो क्या करना है, tan आना चाहिए। तो जरा देखिए ये tan इनवर्स हो गया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए
कि अभी तो इसमें हम कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है या 1 माइनस कॉस थीटा का होता है, या तो 1 प्लस कॉस हो या तो 1 माइनस कॉस हो। तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाता है, 2 cos² θ/2, और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाता है, 2 sin² θ/2। ये दो का फॉर्मूला होता है। तो क्या हम इसे इस तरीका से लिख सकते हैं, 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos π/2 − x, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 − θ क्या हो जाएगा, sin θ। क्लियर है? तो ये हम इतना के जगह पर लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ, इससे लिखने से ये फायदा हुआ कि 1 प्लस cos θ के फॉर्म में चला गया, और हम जानते हैं कि 1 प्लस cos θ का फॉर्मूला होता है। जब इसे बदल रहे हैं तो इसे भी हम बदल सकते हैं, साइन क्या, π/2 − x। क्लियर है? अब जरा देखिए, ये पूरा का पूरा, यानी कि जो π/2 − x है वो कैसा काम कर रहा है, थीटा के जैसा काम कर रहा है। तो चलिए हम फिर से बात करते हैं, जब sin² θ होता था तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin θ × cos θ। तो sin θ का क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 × cos θ/2 ये होगा। तो y = tan−2 sin θ/2, 2 sin θ/2। तो थीटा के जगह पर कौन काम कर रहा है, π/2 − x, और उसके नीचे 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, π/4 − x/2 × cos π/4 − x/2। क्लियर है? ये हो गया y 1 प्लस cos θ। तो 1 प्लस cos θ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 प्लस cos θ का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos²θ/2। तो ये हो गया 2 cos²θ/2। तो थीटा के जगह पर क्या हो गया, π/4 − x/2 हो जाएगा। क्लियर है? ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 cos से 1 cos कैंसिल आउट हो गया। तो y = tan−1 sin π/4 − x/2 / cos π/4 − x/2। तो y = tan−1 sin/cos क्या होगा, tan। तो ये हो गया tan π/4 − x/2। y = ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो π/4 − x/2। क्लियर है? तो dy/dx = अब क्या हो जाएगा, मेन तो यहाँ पर काम किसका है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। तो इसका dy/dx इसका 0, x/2 का क्या हो जाएगा, −1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y = cot−1 √1 sin x + √1 − sin x / √1 sin x − √1 − sin x। चलिए, तो हमारा क्या काम है बाबू, हमारा ये काम है कि अगर ये cot inverse है ना, ये क्या है, अगर ये मेरा cot inverse है तो हमारा क्या लॉजिक बनता है, क्या करें हम, पहले ये अगर cot inverse है तो ये भी cot लाने की कोशिश करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इतना के जगह पर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos²x/2 sin²x/2 2 sin x/2 × cos x/2 लिख सकते हैं। देख रहे हैं, इतना के जगह पर, और इसके जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, वही चीज लिख सकते हैं, cos²x/2 sin²x/2 − 2 sin x/2 × cos x/2 या cos x/2 sin x/2 लिख सकते हैं। यहां पर भी हम वही काम कर सकते हैं, है ना, क्लियर है? यहां पर भी हम वही काम कर सकते हैं, क्या, cos²x/2 sin²x/2 क्लियर है, प्लस 2
साइन एक्स बाई टू लिखे या कॉस एक्स बाई टू लिखे, कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू कॉस एक्स बाई टू या साइन एक्स बाई टू, है ना, क्लियर है। हम ले रहे हैं एक्स का मान जो है से जीरो से पाई बाई टू के बीच में है। चलिए तो ऐसा करने से हमें क्या मिला बाबू, कॉट इनवर्स। ये जरा देखिए, ये कुछ फार्मूला दिख रहा है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि इसके अंदर ये क्या बन गया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, है ना, का होल स्क्वायर बाई इसके नीचे क्या हो गया बाबू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे बाबू, इतना का लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस भी रूट हट जाएगा तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, क्लियर है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू बाई टू साइन एक्स बाई टू, क्लियर है। टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू दैट मीन्स एक्स बाई टू। तो अब y इक्वल टू जब एक्स बाई टू आ गया तो dy dx मेरा कितना हो गया बाबू, 1 बाई टू, है ना। तो इस तरीका के सवाल को हम इस तरीका से ही बनाते हैं, नहीं तो इसे कैसे बना सकते थे, अभी अभी जस्ट हमने बताया है कि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है। तो आप इसको चेंज कर दीजिए किस पर, 1 प्लस कॉस पर चेंज कर दीजिए। तो जब कॉस में चेंज कीजिएगा तो क्या लिखेगा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। और हम यही तो चाहते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर है तो हम ये चाहते हैं कि रूट के अंदर क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने, क्लियर है। तो 1 प्लस कॉस में भी अगर इसको चेंज कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, या इसे हम रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, जिसमें इच्छा हो उस तरीका से इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, वहां कॉट था यहाँ टेन इनवर्स है और इसको हम दूसरे तरीका से बना रहे हैं। वहां पर भी हमने बताया था कि किस तरीका से इसको बनाएंगे, या तो इसको हम क्या किए थे बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स को कैसे तोड़ दिए थे, टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना, तो वो तरीका हम आपको बता दिए। एक और तरीका, इसको हम रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, जैसे y इक्वल टू टेन इनवर्स है और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। इसको हम जब रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर है।
सॉरी यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, ठीक है, इस तरीका से करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टैन इनवर्स, ये जरा देखिए इसको हम क्या मान लेंगे a और इसको b, a माइनस b और a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बाबू, इतना का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन x होगा, बीच में क्या होगा माइनस, और जब इतना का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस साइन x बचेगा, उसके आगे माइनस है तो ये हो गया माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन x, क्लियर है, ये भी a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पर, तो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x, क्लियर है, प्लस 2ab यानी कि 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन x इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन x, क्लियर है। अब जरा देखिएगा y इक्वल टू टैन इनवर्स, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 2, ये जरा देखिए इसे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन ये से ये कैंसिल आउट 2 साइन x, y इक्वल टू टैन इनवर्स 2 कॉमन यहां पर निकाल लेते हैं तो 1 प्लस, अब जरा देखिएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, तो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर x कॉस x हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस x बाई 2 साइन x, क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस x बाई साइन x, तो y इक्वल टू टैन इनवर्स, अब आप जानते हैं कि इधर हम बना दे रहे हैं, ठीक है जगह कम है, तो y इक्वल टू इतना के जगह पर क्या लिखेंगे टैन इनवर्स, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस x का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 बाई साइन x के जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 कॉस से 1 कॉस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू टैन इनवर्स कॉस x बाई 2 बाई साइन x बाई 2 कॉट x बाई 2। अब आप बताइए, अब यहां पर टैन इनवर्स है और ये क्या है कॉट है, तो टैन है तो टैन लाना होगा, तो हम जानते हैं ये भी फॉर्मूला, इसको कैसे बदल सकते हैं टैन पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं, अब ये से ये हट गया तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x, तो dy dx इक्वल टू इसका हो गया 0 और माइनस x का माइनस 1, ये रिजल्ट आया। तो उस क्वेश्चन को भी ऐसे बनाया जा सकता था, दो अलग अलग क्वेश्चन लिए और दोनों अलग अलग मेथड से आपको बताया, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉट इनवर्स है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स का, टैन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो लॉजिक वही होना चाहिए कि अगर ये कॉट इनवर्स है तो कॉट आना चाहिए, टैन इनवर्स है तो टैन आना चाहिए, है ना, तो कुछ स्टेप हमें ध्यान रखना है, क्लियर है। अब जरा देखिए ये y इक्वल टू इसको हम कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स मान लेते, तो y इक्वल टू जब इतना हो गया तो अब खुद सोचिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम कैसे क्वेश्चन को डील करें, ऐसा क्या करें कि ये कॉट आ जाए, तो खुद सोचिए अगर x के जगह पर हम tan मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं tan मान लेते हैं x के जगह पर, तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा तो ये ऊपर चल जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा, तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में मानते हैं लेट x इक्वल टू क्या tan थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x भी हो जाएगा, तो y इक्वल टू ये हो गया cot इनवर्स और ये क्या हो गया 1 बाई tan थीटा, क्लियर है।
तो y इक्वल टू cot इनवर्स, ये ऊपर चल गया तो cot थीटा हो गया, तो y इक्वल टू, अब ये से ये क्या हो गया, हट जाएगा, तो cot से cot हट गया तो थीटा हो गया। अभी भी हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि थीटा के रूप में आया है और थीटा आपने माना है, तो थीटा को कन्वर्ट कर लिए हैं, y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो tan इनवर्स x का 1/1 + x, क्लियर है। तो सिचुएशन के अनुसार हम मानते हैं कि क्वेश्चन कहां पर क्या माने। यहां पर भी जरा देखिए, इसको भी हम y इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x2। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि अगर x के जगह पर हम क्या मान ले, tan थीटा मान ले, तो 2 tan θ / 1 - tan²θ, tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, तो ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, है ना। तो उसके मुताबिक हम मानते हैं कि ऐसा क्या माने कि फॉर्मूला पर क्या हो जाए, सेट हो जाए, क्लियर है। तो यहां पर भी हम मानेंगे क्या, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan θ / 1 - tan²θ, तो y इक्वल टू tan इनवर्स किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का, तो y इक्वल टू yes, ये हट गया तो 2 थीटा हो गया, तो y इक्वल टू 2 थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x, तो dy dx क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 + x², तो आ गया 2/1 + x², क्लियर है। इसी प्रकार से इसे भी हम वही काम करेंगे, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 - x/1 + x कर देते हैं, ठीक है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हम x बराबर cos थीटा मान लेते हैं, है ना, कि 1 - cos θ का भी फॉर्मूला होता है, 1 + cos θ का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन 1 - cos θ मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin²θ/2, नीचे 2 cos²θ/2, tan²θ/2 आ जाएगा, जबकि cot है और उधर स्क्वायर आ जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ज्यादातर कॉन्सेप्ट में अगर स्क्वायर रहता है ना, तो ज्यादातर कॉन्सेप्ट में जहां पर 1 - x या 1 + x होता है, तो x बराबर क्या करते हैं, cos थीटा मानते हैं। लेकिन इस केसेज में हम क्या मानेंगे, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू tan थीटा ही मानेंगे, क्योंकि थीटा बराबर फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, इसलिए मानेंगे कि ये हो गया cot इनवर्स और ये हो जाएगा 1 - tan θ / 1 + tan θ, और ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, tan π/4 - θ का, क्लियर है। तो y इक्वल टू ये cot इनवर्स हो गया। अब हमको इसको बदलना पड़ेगा क्या चीज में, अब इसको tan आया है तो हमको इस क्या चीज में बदलना पड़ेगा, cot में, तो इसको हम लिख सकते हैं cot, ठीक है, cot π/2 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कौन काम कर रहा है, ये, तो ये हो गया π/4 - θ। अब ये से ये हट गया तो y इक्वल टू क्या बचा, π/2 - π/4 - θ, तो अब इसको चेंज कर देते हैं, तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, LCM लेंगे तो 4, यहाँ हो जाएगा 2π - π, है ना, कितना हो जाएगा π/4, ये हो गया π/4 - θ के जगह पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो dy जब dx करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 + x², क्लियर है। तो इस तरीका के, इस टाइप के क्वेश्चन में हम मान कर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी प्रकार का 3 क्वेश्चन दिया हुआ ताकि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। जब तक बेसिक नहीं मालूम होगा तो हम लोग अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², लेट क्या मानेंगे बाबू, यहाँ पर भी हम x बराबर
tan थीटा क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला पर दिख रहा है, तो जैसा क्वेश्चन सेट होगा उसके अनुसार हम मानते हैं, ये नहीं कि अभी तक सब में tan मान रहे हैं तो tan ही मानेंगे, नहीं, सिचुएशन के अनुसार आगे आएगा, आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा मान रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स, इतना के जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा मानना है कि फार्मूला पर हमारा सेट हो जाए इसके मुताबिक। तो y इक्वल टू ये cos इनवर्स हो गया, ये किसका फार्मूला हो गया बताओ, cos 2 थीटा का है ना, cos 2 थीटा का, तो ये से हट गया तो y इक्वल टू 2 थीटा हो गया, तो y इक्वल टू 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स x, तो dy dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का 1 by 1 plus x स्क्वायर, क्लियर है। उसी प्रकार से नेक्स्ट y इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, लेट थीटा बराबर मान लेंगे, सॉरी x बराबर मान लेंगे cos थीटा, क्यों चेंज हुआ ना, क्योंकि cos इनवर्स ये जड़ा देखिए किस पैटर्न पर है, 4x क्यू माइनस 3x, तो 4x क्यू माइनस 3x, तो x के जगह पर हम अगर cos थीटा मान लेते हैं तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा किसका, cos 3 थीटा का। तो हमें फार्मूला भी याद रहना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं याद है तो हम नहीं बना पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्लियर है। तो इस पर हम आधारित किए हैं, अगर इस पर रखेंगे तो ये cos 3 थीटा आ जाएगा, तो ये मान लिए। अब चलिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बाबू, cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप चाहे तो फार्मूला इनवर्स में डायरेक्ट इसका दिया हुआ है कि 3 cos इनवर्स x, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मेथड से बना रहे हैं। तो ये हो गया cos इनवर्स, इस क्या हो गया cos 3 थीटा, तो y इक्वल टू ये हो गया 3 थीटा, तो y इक्वल टू 3 थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। आप चाहें तो ये भी फार्मूला लिख सकते हैं कि इसका ये फार्मूला होता है। अब आप इसका dy dx कर दीजिए, तो जब dy dx कर दीजिएगा तो ये हो गया 3, और cos इनवर्स x का क्या फार्मूला हो जाएगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्लियर है। कैसे माने, समझ में आ गया। अब अगर यहीं पर रहता साइन का, तो अगर यहाँ साइन इनवर्स रहता तो ये होता 3x माइनस 4x क्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो उसके अनुसार से मानेंगे, है ना, ये नहीं कि सब में टेन मान ले कॉस मान ले, नहीं, जो जैसा क्वेश्चन कहता है उसके मुताबिक हमें काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू, अब सोचो क्या मानते हैं, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ऐसा क्या काम करे कि 2x स्क्वायर माइनस 1 पर चला जाए, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो फार्मूला याद करो, तो हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का कितना फार्मूला होता है, 4 फार्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, और एक क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये क्वेश्चन अगर ये भी दे देता इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हम क्या करते काम मानते, ये दे दिया तो इस फॉर्म में मानेंगे। अब जरा देखिए इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, अगर x के जगह पर हम थीटा काम कर लें तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो किसका फार्मूला आ जाएगा, cos 2 थीटा का, तो क्लियर है। यही तो हम चाहते हैं कि ऐसा क्या काम करे कि फार्मूला पर ये हो जाए, तो x इक्वल टू cos थीटा मान लिए, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू sec इनवर्स 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इक्वल टू sec इनवर्स ये हो गया 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका हो जाएगा,
cos 2 थीटा का, तो y इक्वल टू sec इनवर्स, ये ऊपर चल जाएगा तो sec 2 थीटा हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन था, जो बेसिक था, जो आपको हमने बताया। तो पार्टिकुलर ध्यान से आप इसको समझिए, फिर इस पर बेसिक जो आपका इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है आप उसको बनाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स तभी क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और क्वेश्चन बनाने का संभावना बढ़ेगा, ताकि आपको ये लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो ऐसे करते, ये क्वेश्चन है तो इस तरीका से सोचते हैं। वो तब विकसित होगा जब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है?